हाँ जी बताएं सर क्या चुना है आज आपने नो प्राइस फॉर गैसिंग मैं बता ही चुका हूँ सब अपना अपना आइडिया दे कौन सा शेयर मैंने चुना होगा हुँ. और काफ़ी लोगों ने जो मुझे आइडियाज़ दिए वो सही दिए हैं क्योंकि आज का स्टॉक ही है आइडिया आहा <laughs> वोडाफोन आइडिया आपके बजट में सस्ता है अब इससे सस्ता क्या मिलेगा करेक्ट है ना अगर आप सस्ता देखने जाएं भाव के हिसाब से सस्ता है प्राइस के लिहाज से सस्ता है मार्केट कैप के लिहाज से सस्ता है वैल्यूशन के लिहाज से सस्ता है और उसके अपने कारण भी रहे इस वजह जैसे सस्ता है लेकिन वो कारण अब सस्ते से बेहतर होने की तरफ बढ़ रहे हैं कुछ बड़े डेवलपमेंट जो होडाफोन आइडिया में वो पहले मैं बता दूँ ऑफर फॉर सेल इसने इस कंपनी को लाइफ लाइन दी है और इस तरह की कंपनी के लिए सात गुना ऑफर फॉर सेल भरना बड़ी बात है तो अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ से आया था और बीस करोड़ अठारह करोड़ ऑफर फॉर सेल से मिल गए ये तो लाइफ लाइन थी लेकिन इसको बूस्टर डोज दिया टेरीफाइक ने बजट के तुरंत बाद जो टेरीफाइक हुआ दी तीनों ही कंपनियाँ चारों ही कंपनियाँ मिलाकर जो टेलीकॉम स्पेस में साढ़े सैंतालीस हज़ार करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू हर साल आएगा और मोटा मोटी ये पूरा प्रॉफिट में बढ़ने वाला है क्योंकि आपने टैरिफ बढ़ाया कुछ और तो बढ़ाने की वैसे जरूरत नहीं है जी राइट तो ये प्रॉफिट में जाता हुआ दिखेगा तो अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री साल का पैंतालीस पचास हजार करोड़ रुपए या चालीस हजार करोड़ पैंतीस हजार करोड़ भी प्रॉफिट एक्स्ट्रा बनाती है तो सोची कंपनियों पर क्या फर्क पड़ेगा तो ये पहले लाइफ लाइन मिली फिर बूस्टर बूस्टर डोज मिला लेकिन जो जोश मिलेगा वो अब आगे किस तरह से, से स्टॉक पहला रिलायंस जियो का आई पी लाने की कभी, कभी से तैयारी चल रही है राइट जब भी आई आएगा तो पूरे सेक्टर की री रेटिंग करेगा क्योंकि उसका वेरिएशन 10-11 लाख करोड़ रुपए बताया जा रहा है राइट तो सब्सक्राइबर बेस के दम पर और जब तक इसका आई आएगा तब तक अगर परफॉर्मेंस कंपनी की ठीक होती है तो इस कंपनी की भी री रेटिंग होने की पूरी संभावना है दूसरा ए पेमेंट जो इनका ड्यू है उसको लेकर सी बात है कि अब चूंकि सरकार की खुद की वन थर्ड हिस्सेदारी हो चुकी है तो वो चाहेगी कि कंपनी दौड़े तो हो सकता है इसमें किसी तरह की छूट मिल जाए तो वो बड़ी राहत हो सकती है आज खबरें भी है कि कंपनी ने डीओटी को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को रिक्वेस्ट किया है कि भाई हमारा पच्चीस हज़ार करोड़ का जो बैंक गारंटी है स्पेक्ट्रम भुगतान के मामले में जो अगले सितंबर 2025 में ड्यू हो रहा है उससे आपको छूट देनी चाहिए लेंडर्स धीरे धीरे अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं आज ए अमेरिकन टार कंपनी की भी जो खबर आई है वो अपने सोलह करोड़ के डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर रही है ये एक अच्छा संकेत है हमें लगता है हर एक डिप पर ख़रीदारी करनी चाहिए डिप पर सिप करने की रणनीति होनी चाहिए और वो है दस परसेंट के फॉल पर आपको सिप करना है धीरे धीरे खरीदिए आराम से कोई हड़बड़ी नहीं आज का जल्दबाजी में ख़रीदने की जरूरत नहीं है आराम से लिस्ट बना के रखिए पैनिक में खरीदिए फॉर एग्जाम्पल पैनिक किसको कहते हैं बताइए चुनाव के नतीजों के दिन चार दिन को बारह रुपये पाँच पैसे का लो बनाया था इस्टॉक ने इस तरह की चीज़ों को पैनिक कहते हैं आपको पता होना चाहिए पैनिक में मुझे क्या खरीदना है ये स्टॉक उस लिस्ट में हो सकता है टारगेट जो है बारह महीने के हिसाब से इक्कीस बाईस के हैं और सोलह अठारह महीने के हिसाब से पच्चीस छब्बीस के हैं लेकिन मेरा ये मानना है कि इसको बजाय टारगेट में गिनने के आप इसको तीन साल के लिए होल्ड करें वो ज़्यादा बढ़िया हो होगा एक से तीन साल तक कंपनी की परफॉर्मेंस देखें परफॉर्मेंस अगर सुधरती नजर आए और मजबूत बनी रहे तो फिर इस स्टॉक को जल्दबाजी में बेचने की जरूरत नहीं है और अगर परफॉर्मेंस नहीं सुधरी इन सब होने के बावजूद तो फिर हम सेल कॉल भी देंगे वो फ्यूचर में वो दो क्वार्टर तो कम से कम हम इंतज़ार करेंगे कंपनी का जो परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हुए दिखे ठीक है चलिए ये है आपके लिए आइडिया आपको वैसे आइडिया तो एक लग ही चुका होगा इसकी वजह से आइए भी बस सेटल होने वाले